काशीपुर में रोडवेज कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करने की मांग को लेकर देश भर में रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी रोडवेज कर्मचारी शाखा काठ गोदाम ने 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है, जिसमें मंडलीय संगठन मंत्री अनवर कमाल द्वारा बताया गया है कि सरकार के द्वारा ड्राइवर के द्वारा होने वाली दुर्घटना के संबंध में नए कानून बनाए गए हैं, जिसको वापस लेने की मांग को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। काशीपुर से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। सर, जो करोड़पति तो है नहीं, ड्राइवर जो है गरीब आदमी है, अगर ये लागू होता है तो गलत ही है, इसलिए हम तो चाहते हैं भी ये मांग अपनी रद्द की जाए। 7 लाख रुपए बहुत होते हैं, बाकी 10 साल की सजा है। ड्राइवर इतना करोड़पति थोड़ा है सर, जो रोड इसमें भर्ती होकर जो ड्राइवरी कर रहे हैं, कानून तो गलत ही है। ये हड़ताल जो है वो ड्राइवर संबंधी एक आदेश संसद में ऐसा पास हुआ है जो बहुत ही खतरनाक है। इसमें जो ड्राइवर हैं उसके लिए 10 साल की सज़ा और 7 लाख का प्रावधान रखा है। अगर ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागता है तो उसको सरकार मार देगी, और अगर वहीं पर रहता है तो पब्लिक मार देगी। ऐसा कानून जो है, ये इतना गंभीर आरोप लगा के इसको जो लागू किया है, जो हमारे चालक भाइयों को किसी भी प्रकार में बर्दाश्त नहीं है। और ये जो घरेलू हैं लोग हैं, उनके जो ड्राइवर है, जो कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उनके लिए भी ये नियम लागू हो रहा है। इस नियम का सभी चालक, परिचालक और आम आदमी सब इसका भर्त्सना करते हैं और प्रबल विरोध करते हैं। ये कानून बिल्कुल जनहित में नहीं है, इसको सरासर इसको नकारा जाता है।